तो दोस्तों आज हमारे पास एक और फायरबोल्ट की नई स्मार्ट वॉच है और ये है फायरबोल्ट स्टारलाइट लक्स एडिशन। अब पता नहीं भाई फायरबोल्ट ने जो स्टारलाइट का नॉर्मल वेरिएंट कब लॉन्च किया था, लेकिन उन्होंने उसका एक लक्स एडिशन यहाँ पर लॉन्च कर दिया। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो वॉचेज़ हैं इनका प्राइस है सिर्फ 2000 रुपये। तो 2000 रुपये में मेटल यहाँ पर स्ट्रैप्स आपको देखने को मिलते हैं, 2 इंच का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको इन वॉचेज़ में दिया हुआ है। कैसी स्मार्ट वॉच है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देख सकते हो इस वॉच को मैंने यहाँ पर पहना भी हुआ है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये भाई हमारे पास फायरबोल्ट स्टारलाइट के जो बॉक्सेस हैं, और देख सकते हो मेरे पास ये 2 वेरिएंट है, एक ब्लैक वेरिएंट है और एक यहाँ पर रोज गोल्ड वेरिएंट है। तो ब्लैक वाली को जैसे था भाई मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पहनकर, तो इसको रखते हैं साइड में, लेकिन ये जो रोज गोल्ड वाला है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख सकते हो भाई लुक कुछ इस तरह से, आपको स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ यहाँ पर जो वॉच मिलती है, स्ट्रैप्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर 2.01 इंच का लार्ज डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी IP68 की रेटिंग है, ऑब्वियस बात है ब्लूटूथ कॉलिंग है, पीछे भी कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। लेकिन जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आती है। तो मॉड्यूल यहाँ पर अलग दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर इसकी जो पिन वगैरह है ना, क्योंकि जैसे स्ट्रैप वगैरह इंस्टॉल होंगे तो वो भी अलग से है। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रैप्स में ऑब्वियसली बात है इसके जो स्ट्रैप्स आपको अलग दिए हुए हैं, तो कुछ इस तरह से देखते हैं। स्टेनलेस स्टील यहाँ पर रोज गोल्ड जो स्ट्रैप्स हैं, उसके बाद इन स्ट्रैप्स को एडजस्ट करने के लिए एक टूल भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है भाई चार्जिंग केबल भी है मैग्नेटिक। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगी, तो यूज़र मैनुअल और कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान वारंटी कार्ड। तो ये तो भाई इसकी क्विक अनबॉक्सिंग, तो ये इसके बॉक्स के कंटेंट है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इस वॉच के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जो स्ट्रैप्स हैं इंस्टॉल करने होंगे। और इन स्ट्रैप्स को इंस्टॉल करने के लिए ना ऐसे आपको 4 पिन मिलती हैं इसके बॉक्स में, तो 2 पिन मैंने यहाँ पर निकाल लिए, तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो वॉच के ऊपर ये जो प्लास्टिक रैपर लगा, तो उसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ भाई, अच्छा हुआ टूटी नहीं। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको मेटल की मिलती है, तो भाई ये टेस्ट हो गया ड्रॉप टेस्ट, और देख सकते हो भाई कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आया है। बाकी ये जो कलर है भाई रोज गोल्ड अच्छा लग रहा है वैसे, और लेकिन ये जो स्ट्रैप्स हैं इसके ऊपर भी ये जो प्लास्टिक रैपर लगे हैं तो उनको हटा देते हैं हम। वैसे भाई ये स्ट्रैप्स वगैरह इंस्टॉल करके दे ही देते तो क्या ही जाता, कि कई वजह में अलग से सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं तो यहाँ पर वो नहीं दिए हुए, बट ऑब्वियसली बात है फिर प्राइस इसका फिर सिर्फ 2000 रुपये। बाकी जो चेन स्ट्रैप्स हैं इनकी क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है, ब्रश्ड मेटल फिनिश है यहाँ पर, और चीप भी फील नहीं हो रही है। तो यहाँ पर स्ट्रैप्स अच्छी क्वालिटी के हैं भाई सरप्राइजिंगली इस प्राइस में, बट अब इनको यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। तो स्ट्रैप्स हमारे यहाँ पर लग गए हैं, और देख सकते हो जो रोज गोल्ड कलर है उसमें ये जो वॉच है इसकी लुक कुछ इस तरह से रहेगी। और पूरी यहाँ पर आपको जो मेटल बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, स्ट्रैप्स भी जैसा आप देख ही सकते हो काफ़ी सही है, और यहाँ पर ये इस तरह से जो बकल स्ट्रैप्स रहते हैं। तो 2000 रुपये में यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बिल्ड क्वालिटी है डिज़ाइन वगैरह वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है इस वॉच का। बाकी जो ब्लैक कलर के साथ इस वॉच की जो लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो जो मेटल स्ट्रैप्स मिलते हैं वो भी यहाँ पर ब्रश्ड मेटल मिलेंगे, पूरी यहाँ पर मेटल की बिल्ड क्वालिटी है। और ये वाली वॉच को मैंने ऑलरेडी अपने रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ, तो देख सकते हो काफी यहाँ पर स्नग फिट है, और दिखने में भी ना ये वॉच इन हैंड काफी अच्छी लग रही है ब्लैक वाली। बाकी ये जो रोज गोल्ड वाली है इसकी जो लुक है ना वैसे जो कॉपर फिनिश टाइप होती है वैसी ही कुछ ही लग रही है, लेकिन इसकी लुक देख सकते हो भाई ऐसी रहेगी इन हैंड। बाकी मेटल बिल्ड क्वालिटी, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी फील नहीं हो रही है जैसे आजकल भाई मतलब फोन से ज़्यादा हैवी स्मार्ट वॉचेज भी आने लगी हैं, तो इसका एक बार वेट भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो वॉच है इसका जो टोटल वेट है वो है सिर्फ 106 ग्राम मेटल बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद, और ये जो ब्लैक वाली है ऑलरेडी मैंने अपने रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर ये 94 है, तो क्योंकि इसमें से कुछ जो स्ट्रैप्स मैंने निकाल लिए थे। तो ओवरऑल 2000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर मुझे लगता है कि लुक बिल्ड डिज़ाइन वगैरह इसका काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स के बारे में। तो वॉच ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया हुआ, तो ये क्राउन की तरह काम नहीं करता है, सिर्फ बटन है, तो इसको मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी, और देख सकते हो यहाँ पर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ गई है। उसके अलावा यहाँ पर माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें वॉच के बारे में तो देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पर आपको 2.01 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, ब्राइटनेस यहाँ पर फुल है वैसे, तो थोड़ी सी कम कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो जो बेजल्स वगैरह हैं इस वॉच के वो भाई काफ़ी नैरो है, साइड में और ऊपर में काफ़ी कम बेजल है, नीचे हल्का सा चेन मिलता है। देखो भाई 2 इंच का जो डिस्प्ले है ना बहुत बड़ा होता है वैसे, लेकिन नैरो बेजल होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट साइज में ही लग रहा है ये वॉच। बाकी डिस्प्ले की जो रेशन है वो यहाँ पर ठीक ठाक है, 240x286 पिक्सल की है, थोड़ी सी और बेटर होती तो मुझे लगता है कि सही रहता, लेकिन यहाँ पर जो रेशन वगैरह वो ठीक है। बाकी भाई ब्राइटनेस यहाँ पर इस वॉच की अराउंड 500 निट्स के आसपास है, तो इंडोर में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर में मुझे थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस से कम लगी है। बाकी ये जो वॉच फेसेस हैं कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, तो अलग अलग बहुत सारे वॉच फेसेस दिए हुए हैं, और ये वाला जो वॉच फेस है ना मैंने इसकी ऐप से इंस्टॉल किया था। बाकी इसकी ऐप में जाकर देख सकते हो आप बहुत सारे जो वॉच फेसेस उसे इंस्टॉल कर पाओगे, तो काफी बड़ी सी लाइब्रेरी, अपना वॉच फेस भी लगाना है, अपनी कोई फोटो वगैरह लगानी हो
तो वो भी पॉसिबल है। हाँ, इस वॉच के लिए ना आपको यहाँ पर द फिट ऐप इंस्टॉल करनी है। बाकी जल्दी से वॉच के यूआई की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है और देख सकते हो यहाँ पर यूआई काफी स्मूथ है, किसी तरह से कोई स्टटर वगैरह नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो एक टॉगल बटन है, तो यहाँ पर आप इसका जो मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो, 8 के करीब आपको यहाँ पर मेन्यू स्टाइल दिए हैं तो ये सही है अलग अलग। और उसके बाद यहाँ पर जो ई कार्ड वगैरह आप डाल सकते हो, सेटिंग है, टॉर्च है तो ये ऑन कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट कार्ड है तो एक्टिविटी है, और यहाँ पर नीचे स्वाइप करोगे तो आप जो भी हिस्ट्री वगैरह देख पाओगे। और स्टेप्स की एक्यूरेसी में बोलूंगा कि यहाँ पर ठीक है, मतलब 90% के आसपास मैं इसकी एक्यूरेसी लेवल बोलूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करोगे तो स्लीप मॉनिटरिंग, आपको हार्ट रेट, SPO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है तो इसको थोड़ी देर में चेक करेंगे। वेदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सनराइज सनसेट, नेक्स्ट 7 डेज का फोकस भी दिख जाएगा तो ये भी सही है। उसके अलावा यहाँ पर फोन कॉल के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल भी वॉच से ही कर सकते हो, और यहाँ पर प्लस का बटन है तो और भी बहुत सारे शॉर्टकट कार्ड आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे जैसे कैलकुलेटर वगैरह। लेकिन उसके अलावा मेन्यू एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करना है तो यहाँ पर आपकी जो रीसेंट यूज ऐप हैं वो दिख जाएंगी। AI वॉइस रिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर टैप करोगे तो आपका जो मेन्यू दिख जाएगा। और अभी यहाँ पर ये जो मेन्यू है देख सकते हो कुछ इस तरह से हनी कॉम ग्रिड स्टाइल में, लेकिन जैसे इसमें आपको यहाँ पर 8 मेन्यू स्टाइल देखने को मिलते हैं। तो सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाओगे तो आपको यहाँ पर मेन्यू व्यू दिख जाएगा, तो अलग अलग जो मेन्यू स्टाइल है यहाँ से भी चूज कर सकते हो। और अभी मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल चूज कर देता हूँ, और इस मेन्यू में यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी, फोन कॉल, हार्ट रेट, SPO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यहाँ पर आपको 123 जो स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं। और प्लस मेन्यू टैप करके आप और भी ऐड कर सकते हो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो इनके रिकॉर्ड्स हिस्ट्री वगैरह देख पाओगे। वेदर इन्फॉर्मेशन है, मैसेज, शटर कंट्रोल, प्लेयर, रिलैक्सेशन तो ये सही है योगा वगैरह के टाइम पर, टाइमर, AI असिस्टेंट, अलार्म, स्टॉपवॉच, फाइंड फोन, इनबिल्ट गेम भी आपको मिलती है। आई थिंक आपको यहाँ पर 4 के आसपास जो इनबिल्ट गेम मिलती है तो टाइम पास करने के लिए सही है। कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सेटिंग में जाएंगे तो डिस्प्ले की सेटिंग, वाइब्रेशन, रिंग, DND, लो पावर मोड, फोन, ऑडियो, ब्लूटूथ ऑडियो अगर आपको यहाँ से इनेबल डिसेबल करना नहीं चाहते फोन में ऑडियो बजे तो यहाँ से उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, फोन रीसेट हिस्ट्री वगैरह, या फिर सिस्टम में जाएंगे तो रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन है। तो फीचर वाइज फायरबोल्ट स्टारडस्ट में आपको काफी अच्छे खासे फीचर मिल रहे हैं, और मुझे लगता है भाई फीचर यहाँ पर अगर 2000 की कोई भी स्मार्ट वॉच रहेगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको काफी बढ़िया इस वॉच में दिए हुए हैं। बाकी वॉच का जो डिस्प्ले है वो काफी बड़ा है, और UI भी यहाँ पर काफी स्मूथ है, किसी तरह से कोई स्टटर वगैरह मुझे यहाँ पर नहीं दिखा है। AMOLED नहीं है, कई लोग पूछते हैं भाई AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा IP68 की रेटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है इस वॉच में, तो ये सही है, मतलब थोड़े बहुत जैसे पानी वगैरह में भीग जाते हो तो भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बैटरी वगैरह 7 दिन की आपको बैटरी बैकअप मिलेगा इन वॉचेस में। लेकिन अब जल्दी से इस वॉच का जो हार्ट रेट, SPO2 और इसमें जो कॉलिंग का फीचर मिलता है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई देख सकते हो वॉच पहनने के बाद इसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो काफी बढ़िया रहती है, काफी बड़ा डिस्प्ले है और काफी कंफर्टेबल है, स्नग फिट है जैसे मैंने बताया, इसको मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। लेकिन अब जल्दी से इसका जो हार्ट रेट है उसको यहाँ पर मेजर कर लेते हैं और इस पर टैप कर देंगे, और अपनी फिंगर पे मैं यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर भी लगा लेता हूँ कंपेयर करने के लिए, तो देखते हैं कितनी जो क्लोज रीडिंग्स रहती हैं। जो ऑक्सीमीटर में जो यहाँ पर हार्ट रेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 86 बीट पर मिनट, वॉच में यहाँ पर शो कर दिया है 86-87 बीट पर मिनट। और मैंने ये देखा है भाई यहाँ पर जो भी ऑक्सीमीटर में रहती है उसी तरह से यहाँ पर जो वॉच में भी रहती है, तो ये सही है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो BP का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वॉचेस में मैं BP पे रिलाई भी नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। और BP यहाँ पर जैसा इसने मेरे जो लास्ट BP चेक किया था 120/78, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है। उसके बाद इसका जो SPO2 मीटर है उसको भी चेक कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पर ऑक्सीमीटर से कंपेयर करेंगे, और ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है वैसे 96% और वॉच में दिखा रहा है भाई 98%, तो देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिया हुआ है, क्योंकि इस वॉच में ना आपको SPO2 के लिए ग्रीन सेंसर ही मिल रहा है, रेड सेंसर नहीं दिया हुआ है। बाकी हर बार की तरह मैं बोलूंगा भाई ये जो वॉचेस है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करना। बाकी इसमें जो कॉलिंग का फीचर है उसको भी चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले डायल पैड में जाकर मैं एक नंबर डायल कर देता हूं, और इसका स्पीकर का वॉल्यूम चेक करेंगे कितना लाउड है। तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर स्पीकर है, इंडोर के हिसाब से काफी सही है, काफी डिसेंट है, आराम से कॉल वगैरह ले सकते हो। आउटडोर के लिए अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में होगे तो वहाँ पर भी आप कॉल ले पाओगे, लेकिन थोड़ा सा कम लग सकता है आपको। माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो फायरबोल्ट स्टार लाइट के माइक्रोफोन से, लक्स एडिशन के माइक्रोफोन से, और माइक की क्वालिटी जैसा आप सुन सकते हो अगर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करोगे तो कुछ ऐसी रहती है, अगर कुछ काम कर रहे हो हाथ आपका दूर है तो कुछ ऐसी रहेगी माइक की क्वालिटी। तो आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी वो आप नीचे कमेंट करके बता दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप करना चाहो जल्दी से कर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, और ये जो वॉच है इस टाइम पे वाइब्रेट कर रही है, आई थिंक मैंने इसको रिंग पर नहीं रखा, और ये जो वाइब्रेशन है यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं इस पर टैप करके, कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो, तो उठा लेते हैं इसे। और उठाने के बाद हमारे पास जैसा देखा कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो ये जो कॉल है अपने वॉच पे या फिर फोन पे ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से, और अभी काट देते हैं। बाकी SMS नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट है, इमोजी का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, और क्विक रिप्लाई वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता इन वॉचेज में। लेकिन ओवरऑल ये जो वॉच है भाई फायरबोल्ट स्टार लाइट,
डेफिनेटली भाई 2000 रुपए की स्मार्ट वॉच है और उसके हिसाब से यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है भाई पूरी मेटल की आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। स्टेनलेस स्टील आपको स्ट्रैप्स मिल रहे हैं इन वॉचेस में। लुक वाइज काफी अच्छी खासी, काफी स्लिम प्रोफाइल है और फीचर वगैरह भी जैसा आपने देखा काफी अच्छे खासे मिल रहे हैं जो इस प्राइस में इन वॉचेस में आपको मिलने चाहिए। इवन मेरे को लगता है कि जो यहाँ पर आपको फीचर मिल रहे हैं 1500 रुपए की स्मार्ट वॉचेस में आपको फायरबोल्ट की वैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर मेटल स्ट्रैप्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 2000 रुपए की स्मार्ट वॉच मुझे लगता है कि काफी बढ़िया स्मार्ट वॉच है ये, एक तरह से वैल्यू फॉर मनी बोलूंगा अगर आपको इस तरह की लुक इस तरह की जो स्मार्ट वॉचेस पसंद है। और मुझे लगता है कि 2000 रुपए में आप ये जो स्मार्ट वॉच है परचेज कर सकते हो। तो आपको कैसी लग रही है फायरबोल्ट स्टार लाइट या मुझे कमेंट करके बताओ। और इन वॉचेस को अगर आपको खरीदना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं मन आपको मिलूंगा अगली बार।